दूसरा है सेकेंड ऑर्डर तीसरा है थर्ड ऑर्डर एंड चौथा है फोर्थ ऑर्डर तो हम देख लेते हैं जो रेट जो हमारा गिवन दिया हुआ है दैट इज़ रेट कॉन्स्टेंट दैट इज़ रेट कांस्टेंट दैट इज़ के जो हमारा दिया हुआ है वो है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस थ्री पर सेकेंड दैट इज़ जिसकी यह यूनिट है इस पे पर सेकेंड और हम जानते हैं हम जानते हैं फॉर एन एथ ऑर्डर फॉर एन एथ ऑर्डर एस आई यूनिट ऑफ द एस आई यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट दैट इज एस आई यूनिट ऑफ रेट कॉन्सटेंट और यूनिट ऑफ रेट कॉन्सटेंट कैन बी रिटेन एज मोल पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड यह एन एथर के लिए हो गए और हमें दिया हुआ है इसमें रेट कॉन्सटेंट में पर सेकेंड जो यूनिट है वो पर सेकेंड है तो ये पर सेकेंड हमारा कैसे आएगा अगर हम एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे इसमें इस एक्सप्रेशन में इस दैट इज मोल पर लीटर वन माइनस जीरो वन माइनस वन बिकॉज एन इस्कल टू वन करना है हमें पर सेकेंड तो हम देखते हैं कि यह हो जाएगा मोल पर लीटर मोल पर लीटर यह हमारा हो जाएगा मोल पर लीटर एंड वन माइनस वन मीनस हो जाएगा जीरो पर सेकेंड और हम जानते हैं किसी की भी पावर जीरो कर देते तो उसकी पूरी की वैल्यू जाती है वन टू वन इंटू पर सेकेंड हो जाएगा पर सेकेंड तो हमने देखा कि अगर हम एन की वैल्यू पुट कर दें इस, इस में एन की वैल्यू वन पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में दैट इज़ एन एस ऑर्डर में तो जो हमारी ये, यो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट वो आ जाती है पर सेकंड तो इसका मतलब ये जो ये जो रेट कांस्टेंट के इसकोल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस थ्री पर सेकेंड दिया हुआ है तो इसका तो इसका ऑर्डर जो है द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट जिसका रेट कांस्टेंट यह दिया थ्री पॉइंट सिक्स इंटर हमारे थ्री पर सेकेंड दैट इज़ की जिसकी यूनिट पर सेकेंड है तो उसका ऑर्डर ऑफ़ द रिएक्शन क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर किस में दिया हुआ है तो हमारा जो फर्स्ट है वो पहली ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्लास से ट्वेल्थ लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर